topic dekhenge selenium web drivers related, it's called as a drop downs. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. जब हम रियल टाइम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप डाउन पे काम करना पड़ता है. ओके, और आजकल लुक एंड फील और एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स का डिजाइन करने के लिए देर अलग अलग टाइप के ड्रॉप डाउन वेबसाइट पे यूज किया जाते हैं. मेनली यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन, इट्स कॉल्ड देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉप डाउन. मेनली जो यूज होते हैं वो है स्टैटिक ड्रॉप डाउन, डायनेमिक ड्रॉप डाउन और आर्टिस्टेशन ड्रॉप डाउन. तो हम ये वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले आज देखते हैं हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन. व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक ड्रॉप डाउन? When if there is any static dropdown, what methodologies we have to use to handle that through Selenium WebDriver? ये सब जो concepts हैं, वो आज के lecture में हम देखेंगे. Okay? So सबसे पहले समझते हैं what is dropdowns and what is static dropdowns. Okay? So इसके लिए मैं एक website खोलता हूँ, it's called 5j.com. इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे this is the look and feel. और ये real time website है. इसपे तरह तरह के radio buttons, जिसमें dropdowns, जिसमें check boxes, इसमें calendar control, जिसमें स्टैटिक डायनेमिक ड्रॉप डाउन दिए गए. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक ड्रॉप डाउन. हाउ व्हाई दिस दिस ड्रॉप डाउन इज कॉल्ड एज स्टैटिक ड्रॉप डाउन, व्हाई दिस ड्रॉप डाउन इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक ड्रॉप डाउन. ओके, सो व्हेन स्टैटिक ड्रॉप डाउन, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द करंसी टैब. इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे INR, सिलेक्ट, AED एंड USD, दिस आर द स्टैटिक वैल्यूज. ओके, अगर नेक्स्ट कभी और कोई करेंसी ऐड होती है तो नीचे ऐड हो जाएगी, लेकिन दिस ड्रॉप डाउन आर स्टैटिक ड्रॉप डाउन. इसमें कुछ वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है. इस टाइप के ड्रॉपडाउन को क्या कहते हैं? स्टैटिक ड्रॉपडाउन. ओके, सो व्हाट इज डायनेमिक ड्रॉपडाउन? एक बार डायनेमिक ड्रॉपडाउन देखते हैं, जिसके जरिए आपको स्टैटिक और डायनेमिक में से एक्जैक्टली डिफरेंस समझ में जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं टू सिटी सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ड्रॉपडाउन. ओके, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, दिस विंडो इज टोटली ब्लैंक. दिस ड्रॉपडाउन टू ड्रॉपडाउन इज टोटली डिपेंड ऑन दिस फर्स्ट ड्रॉपडाउन. यानी कि आप जब तक फ्रॉम सिटी सिलेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपको कहाँ तक ट्रैवल करना है ये ड्रॉपडाउन जो है वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है. मान के चलो मैंने यहाँ पे चेन्नई सिलेक्ट किया, तो ये ड्रॉपडाउन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया. ओके, तो ये चेन्नई से इतनी जगह पे इन सिटीज में जो फ्लाइट है वो ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे आपने आपकी सारी सिटीज दिखाई दी. अगर मैं यहाँ पे चेन्नई की जगह पे यहाँ पे लेह सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो इतनी सिटीज हैं जिसपे ये यहाँ से आगे फ्लाइट जो है वो ट्रैवल करती है. इट्स मीन्स दैट कि ये जो ड्रॉपडाउन है टोटली डिपेंड्स ऑन दिस फर्स्ट ड्रॉपडाउन, और इसकी वैल्यू जो है वो डायनामिकली चेंज हो रही है. ओके, इज नॉट अ स्टैटिक ड्रॉप डाउन, इट्स डिपेंड ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और उसकी वैल्यू क्या है? डायनेमिकली चेंज होती है. इसके लिए हमें किस तरह से यूनिक एक्स पाथ के साथ इसको हैंडल करना है वो हम देखेंगे. लेकिन दिस द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक ड्रॉप डाउन. जिस ड्रॉप डाउन की वैल्यू डायनेमिकली चेंज होती है उसे कहते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन, और जिस ड्रॉप डाउन की वैल्यू स्टैटिकली डिफाइन है, उसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उसको कहते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन. तो आज सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन. तो स्टैटिक ड्रॉप डाउन के लिए हैंडल करने के लिए वी हैव टू यूज अ सिलेक्ट क्लास इन सिलेनियम. सिलेक्ट टैग और सिलेनियम सिलेक्ट क्लास के थ्रू हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं. तो किस तरह से हमें कब सिलेक्ट क्लास यूज करना है, तब सिलेक्ट टैग यूज करना है, इसको एक बार एग्जांपल प्रैक्टिकली हम देखते हैं. मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करता हूं, स्टिल टाइप, आई विल ओपन इक्लिप्स. इक्लिप्स क्लिप्स के लिए क्या रिक्वेस्ट जस्ट है, जैसे जावा इंस्टॉल वगैरह होना चाहिए आपके सिस्टम में, और हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू ऐड द जार, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सब बताया था, आप वो वीडियो देख के एक बार समझ सकते हो. दिस आर द प्री रिक्वेस्ट, आप उसको एक बार जो प्रीवियस वीडियोस है उसको यहाँ पे देख के फिर इस लेक्चर में सीख सकते हो. या फिर आप यू हैव अ नॉलेज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू ऐड द जार इन द बिल्ड पाथ, एवरीथिंग, तो आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमने इस एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, तो आप इसका टैग नेम जो देख सकते हो वो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. What is the tag name for this element? Select. जब भी आपको यहाँ पे select tag name दिखता है ना, तो आप default उसके लिए select class के साथ सारे operations जो है उस particular element पे वो perform कर सकते हो. Okay? So how to do that? All these operations और select tag के कौन-कौन से commands हैं उसको हम देखेंगे. Static dropdown handle करने के लिए हम select tag और select class use करते हैं. Intro में question पूछा जाता है how to handle static dropdown. तो we can handle through select class. Okay? तो उसके कौन-कौन से command हैं? तो उसको एक बार देखेंगे हम. सिलेक्ट क्लास की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं जो हमें रियल टाइम में यूज करने पड़ते हैं. जब आप रियल टाइम वर्क करते हो किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको रियल टाइम में जो भी ऑप्शन के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो यहाँ पे अब जब मैंने इंस्पेक्ट किया इस एलिमेंट को, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट. उसका आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी है, नेम है, और नेम है, आईडी है, ओके, आई विल जस्ट डिलीट माय प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने समझाया था, आई विल जस्ट डिलीट इट. Okay, we will start newly. Okay, so I'll just create one class here, name as static dropdown. Okay. स्टैटिक ड्रॉप डाउन. और हमें सबसे पहले जब भी हम मेन क्लास क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमें अगर स्पाइस जेड वेबसाइट लॉन्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेट अप अवर क्रोम ड्राइवर पाथ एंड एक्सटेंशन, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूर क्रोम ड्राइवर. सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द लास्ट लेक्चर, किस तरह से क्रिएट करना है आपको लास्ट लेक्चर देख के समझ जाओगे. तो आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड एंड सिंपली
pasted here. Okay, before we paste this code, we have to write a main method, right? We are currently working with Java only, not any set of instance ng or anything. तो एक बार हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इस कोड के अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन में। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लास्ट इसमें हमने facebook.com लॉन्च किया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं spicejet.com को लॉन्च करते हैं, राइट। इधर सेटअप ये बार गया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, राइट। तो आई जस्ट टेक द नेम ऑफ दिस एलिमेंट दिस टाइम, हमने लास्ट टाइम आई डी वगैरह लिया था, तो विल टेक एलिमेंट। सो आई सिंपली राइट अ कोड हियर, ड्राइवर डॉट find element by dot name, this name mein we'll just paste this name, okay। ab dekho we have to set up select class for this, right, this select class ke through hum isko handle kar sakte hain, so we have to create a select class object first, okay। so select class object creation, how to create select class object, to uske liye aapko likhna hai select, jaise main isko naam deta hu drop down, koi bhi naam de sakte ho aap, jo bhi object create karna hai aapko, drop down is equal to new select, new select, इसको हमें import करना पड़ेगा, it's coming from select, कहाँ से आ रहा है, support UI जो हमने जा add की थी last lecture में, वहाँ से ये import हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, this class is expecting one web element type of argument, तो हमें web element type of argument उसमें pass करना पड़ेगा कि कौन से particular element पे आपको ये जो सारे select class की commands है उसको उसको perform करना है। तो we will simply add this code into this, simply add this code, we can directly add this code into this web element, so isse web element yahan pe assign ho jayega, lekin this is not a good idea, so what we can do, we have to store this web element into the one variable, jaise iska naam hai currency, so I'll put it this variable, created one web element variable, web element currency is equal to new, we need to import web element here, I'll just remove this code and this need to import web element, and then we can simply pass this web element variable in this, okay। so हमने क्या किया, इसको पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट करने के बजाय हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, how to create, जब स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, हम इंटीजर होता है इंटीजर में स्टोर करते हैं, यहाँ पे वेब एलिमेंट को स्टोर करना है, हमने क्या डेटा टाइप यूज किया इसका, वेब एलिमेंट, ओके। सो वी विल स्टोर दिस करेंसी वेरिएबल इन वेब एलिमेंट टैब, वेब एलिमेंट करेंसी वेरिएबल इन वेरिएबल सिलेक्ट क्लास में हमने उसको स्टोर कर दिया, ओके। अब नाउ वी कैन यूज ऑल द कमांड्स ऑफ दिस करंट सिलेक्ट क्लास थ्रू दिस ड्रॉप डाउन वेरिएबल, ओके, जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे जो इतने वेब सिलेक्ट क्लास की कमांड्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है, फर्स्ट कमांड सिलेक्ट बाय वैल्यू, ओके, सिलेक्ट बाय वैल्यू देखते हैं पहले, सबसे पहले सिलेक्ट बाय वैल्यू, तो सिलेक्ट बाय वैल्यू को किस तरह देखना है, उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट किया है उसको वो लिखना है, लाइक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ड्रॉप डाउन, ओके, सिलेक्ट बाय वैल्यू का ऑब्जेक्ट देन डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू और वो टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू इज इक्वल टू INR, AED and USD. तो सबसे पहले हम इसके वैल्यू इज इक्वल टू USD लेते हैं। तो यहाँ पे कमांड क्या है, ड्रॉप डाउन डॉट इस ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप डाउन, ये जो हमने ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, यानी कि हमारा ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू, राइट, सिलेक्ट बाय वैल्यू में हमने सबसे पहले वैल्यू कौन सी ली, यहाँ पे वैल्यू है इसकी USD, ओके, इसकी वैल्यू है USD, हमने ये वैल्यू यहाँ पे ली है, ओके। उसके बाद सेकंड कमांड है उसकी सिलेक्ट बाय इंडेक्स, तो हम सिलेक्ट बाय इंडेक्स से उसको सर्च करेंगे, तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट सिलेक्ट बाय इंडेक्स, तो ये ऑपरेशन होते परफॉर्म होते दिखने के लिए आपको क्या करना है, थ्रेड डॉट स्लिप, ये एक सिंक्रोनाइजेशन डाल देता हूं मैं यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय दिस थ्रेड डॉट स्लिप, मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन क्लास में समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बस इतना समझे कि इससे एग्जीक्यूशन जो है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है, जब आप 2000 यहाँ पे लिखते हो तो एग्जीक्यूशन विल बी स्टॉप फॉर 2 सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट बाय वैल्यू सबसे पहले, सिलेक्ट बाय वैल्यू क्या, उसके बाद हमें लिखना है सिलेक्ट बाय इंडेक्स, तो इसमें है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट सिलेक्ट बाय इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट बाय इंडेक्स, ओके, इंडेक्स में हमें पास करना है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द वन इंडेक्स 2 3 4, ओके, फोर इंडेक्स पे हम 0 1 2 3, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट विद 0, तो सिलेक्ट इज 1 0 1 2 3 इंडेक्स है यहाँ पे, तो आई विल पास इट हियर इंडेक्स 1, ओके, तो इंडेक्स 1 की वैल्यू यहाँ पे असाइन होनी चाहिए, सिलेक्ट बाय वैल्यू सिलेक्ट बाय इंडेक्स, और उसके बाद हम लास्ट देखना है सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट में हम देखेंगे, आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड अगेन हियर, आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे हमें देखना है अभी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, तो हमें सॉरी डी सिलेक्ट करना है,
select by visible text. Okay. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट भी है visible. ये वैल्यू और ये टेक्स्ट है, राइट? ये तीनों टेक्स्ट है. तो हम लास्ट में फिर से उसको INR पे लेके आएंगे. I'll just copy this text and I'll just copy and paste it here. Okay. So this one is हो गया main important command select by value. सिलेक्ट बाय वैल्यू हो गया मेरा. उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे सिलेक्ट बाय इंडेक्स, यहाँ पे सिलेक्ट बाय इंडेक्स, और उसके बाद हमने क्या किया सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट. ओके, लेट्स रन रन एंड सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. लास्ट में एक कमांड लिखेंगे हम यहाँ पे जो कि हमने ड्राइवर डॉट क्लोज, ताकि हमारा जो ब्राउज़र है क्लोज हो जाए. विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी द आउटपुट. स्पाइजेट ओपन हो गया ब्राउजर में. ओफो, समथिंग इज रॉन्ग. लेट्स सी व्हाट इज देयर हियर. एनेबल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. ओ, वी टेक दिस एज अ नेम एंड यहां पे आपने हमने लास्ट नेम से सर्च किया है. सॉरी, वी जस्ट ओके, वी विल रन दिस अगेन. नाउ लेट्स सी द आउटपुट बाय नेम. एरर, एक बार आप एरर देखते हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर दिस इज. ओके, सो हमें वो चेंज करना पड़ता है. सम टाइम वी विल डायरेक्टली राइटिंग द कोड फास्ट वे में हम कोड राइट करते हो तो वहां पे मे बी सम स्पेल मिस्टेक्स और अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स हो जाती है. तो वी हैव टू रीड एरर केयरफुली और उसको हमें सॉर्ट आउट करना. स्पाइजेट लॉन्च हो गया यहाँ पे. आप देख सकते हो INR USD और USD के बाद लास्ट INR होके यहाँ पे ब्राउजर क्लोज हो गया. यानी कि हमारा जो सिलेक्ट कमांड है वो एकदम सही से वर्क हुआ. दिस स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सिग्नेम ड्राइवर में स्टैटिक ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट क्लास के थ्रू हैंडल कर सकते हैं. सिलेक्ट क्लास जो भी सिलेक्ट क्लास के जितने भी कमांड्स है जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू, उसको यूज करके हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं. नाउ स्टैटिक ड्रॉप डाउन में भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. लाइक मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन जब हम टाइप करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन डॉट, तो यहाँ पे आप सकते हो सिलेक्ट के साथ डी सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सिलेक्ट बाय वैल्यू, इस बहुत सारे और भी कमांड्स है. तो इनको किस तरह से यूज करना है उसको भी एक बार हम प्रैक्टिकली देखेंगे. उसके लिए आई जस्ट ओपन दिस मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन वेबसाइट. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको डी सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट ऑल इस तरह की अगर कोई कमांड यूज करने स्टैटिक ड्रॉप डाउन में, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा. वी हैव टू चेक कि अगर ये जो ड्रॉप डाउन है पर्टिकुलर उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं सिलेक्ट करने के. जैसे देखो ये ड्रॉप डाउन है, राइट? इसमें आप से देख सकते हो कि यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैनुअल टेस्टिंग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, अजाइल मेथोडोलॉजी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, सिलेनियम सिलेक्ट कर पा रहा हूँ. तो दिस ये ड्रॉप डाउन क्या है कि इसमें हम मल्टीपल ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं. इस जब हम मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं उस ड्रॉप डाउन पे आप डी सिलेक्ट के सारे कमांड को यूज कर सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उस मैनुअली चेक करो, व्हाट एवर यू डू मैनुअली ऑटोमेशन विल डू ऑटोमेटिकली. सो सबसे पहले मैनुअली चेक करो कि दिस व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉपडाउन दिस इज. जैसे आपको सिलेक्ट दिखता है और स्पाइक जेट में जैसे दिखता था स्टैटिक ड्रॉपडाउन है, स्टैटिकली वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कमांड यूज करते हो, सिलेक्ट क्लास के साथ आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे भी सिलेक्ट क्लास के साथ सिलेक्ट क्लास के डी सिलेक्ट जो ऑप्शन है वो उनको यूज कर सकते हो आप. तो डिसलेक्ट वहाँ पे डी सिलेक्ट ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते सारे के सारे, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रॉपडाउन है उसमें मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं है. आप एक एट अ टाइम एक ही करेंसी चूज कर सकते हो. जैसे स्पाइस जेट अगर खोलते हो तो आपको एट अ टाइम एक ही करेंसी चूज करने का ऑप्शन है. देयर इज नो ऑप्शन टू सिलेक्ट अ मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन. ओके, जो भी करेंसी वाला ड्रॉप डाउन है आपको जहां पे दिखता है यहाँ आप एट अ टाइम एक ही करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो. तो इसके लिए हमने क्या किया, आप ये नई वेबसाइट खोली उस पर देख सकते हैं हम यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो आपको देखना है इससे पहले ड्रॉप डाउन यूज करते टाइम कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन दिस इज. ओके, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इस पर देखते हैं हम डी सिलेक्ट के कमांड किस तरह से यूज होते हैं. जब भी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपको देख हाउ टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द मल्टीपल सिलेक्शन ड्रॉप डाउन. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके टैग नेम में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेगा, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल. ओके, सो वैल्यू दिखेगी उसको मल्टीपल. जब ये टैग नेम वहाँ पे एड होता है वहाँ पे ये हम मल्टीपल वैल्यूज को वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम अब एक बार मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं इसमें. ओके, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ सबसे पहले. इंस्पेक्ट करने के बाद दिस इज द नेम ऑफ दिस ड्रॉप डाउन, राइट? सो आई जस्ट कॉपी दिस कोड. Now we can perform this all action on this drop down. Okay, this is the name of, so I'll just write here this name. Okay, and now we open this website in browser. ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये ऑप्शंस को परफॉर्म करना है, सिलेक्ट डी सिलेक्ट वगैरह. तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो सिलेक्ट के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज है. सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन परफॉर्म करते हैं. तो सिलेक्ट में हम सबसे पहले वैल्यू थ्रो सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू एम एस परफॉर्मर्स.
यहाँ पे सिलेक्ट बाय वैल्यू में हमने क्या लिखा था, सिलेक्ट बाय वैल्यू में हम आई विल जस्ट कॉल दिस वन। ओके, जिसके बाद हमने देखा है इंडेक्स, तो इंडेक्स में मैं टू रखता हूँ इस बार, टू, और इसके बाद दिस वन ऑन फर्स्ट इंडेक्स राइट 0 2 3। ओके, तो इसके बाद विजिबल टेक्स्ट में देख लिखते हैं हम मैनुअल टेस्ट, मैनुअल टेस्टिंग। ओके, इससे क्या हो जाएगा, ये सारे जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें देखने हैं, हमने सिलेक्ट की कमांड तो देखे, अभी हमने देखे देखने हमें डी सिलेक्ट की कमांड, राइट, डी सिलेक्ट कमांड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेम डिसलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो सबसे पहले डिसलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट में हमने कमांड क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट डिसलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है राइट, तो ड्रॉप डाउन डॉट डिसलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, जो हमने अभी कॉपी किया है ये सिलेक्शन, उसको ही हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ये डिसलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होकर डिसलेक्ट होना चाहिए राइट। तो यहां पे थोड़ी देर हम थ्रेड को स्लिप करते हैं ताकि हमें ये सिंक्रोनाइजेशन होते समय अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखे। ओके, थ्रेड स्लिप, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी डिसलेक्ट बाय, नेक्स्ट कमांड है हमारी डिसलेक्ट बाय इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिसलेक्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स में हमें पास करना है यहाँ पे आर्गुमेंट, तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ टू। ओके, डिसलेक्ट बाय इंडेक्स हो गया, उसके बाद हमारा ऑपरेशन है, नेक्स्ट कमांड है डिसलेक्ट बाय वैल्यू राइट। सो डिसलेक्ट बाय वैल्यू में हमें क्या करना है, डिसलेक्ट बाय वैल्यू, डिसलेक्ट बाय वैल्यू में हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पास करनी है जिसको हमें डिसलेक्ट करना है। तो डिसलेक्ट में हमें वैल्यू कौन सी, यहाँ पे अभी दिस वन 12 इज दिस वैल्यू ही। ओके, इसके जरिए हम जो ऑपरेशन है उसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये रन करके देखते हैं प्रोग्राम कि हाउ इट्स आउट गोइंग ऑन। प्रोपोजिशन सिलेक्ट हो गया, अचल मेथोलॉजी सिलेक्ट हो गया, मैनुअल टेस्टिंग सिलेक्ट हो गया राइट। नाउ डी सिलेक्ट ऑप्शन परफॉर्म होनी चाहिए, डी सिलेक्ट हो गया, मैनुअल टेस्टिंग डी सिलेक्ट हो गया, स्टिल प्रोसेसिंग। अब देखते हैं ये लोड हो रहा है, जब तक कोई पूरा लोड नहीं होता सम ऑपरेशंस विल नॉट परफॉर्म। ओके, अचल मेथोलॉजी डिसलेक्ट हो गया और परफॉर्मेंस टेस्टिंग डिसलेक्ट हो गया। यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सारे जो ऑप्शन है उसको जो कमांड है सिलेक्ट के स्टैटिक ड्रॉपडाउन में उनको यूज कर सकते हैं। ओके, थ्रू सिलेक्ट क्लास के थ्रू हमने सारे जो स्टैटिक ड्रॉपडाउन है उसको डिसलेक्ट सिलेक्ट किया। अभी एक कमांड बचती है इसकी, उसका नाम है डिसलेक्ट ऑल। ओके, सो डिसलेक्ट ऑल के लिए हमें क्या करना है, सिंपल डिसलेक्ट ऑल के लिए हमें क्या करना है, अब मैं ये जो तीनों हमने डिसलेक्ट के कमांड्स यूज किए थे उनको जब मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमें इसका एक कोड लिखना है और लाइक डिसलेक्ट ऑल नीचे लिखते हैं टू डिसलेक्ट ऑल द वैल्यूज, एक बार सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके एक साथ ही हम डिसलेक्ट कर देंगे। तो डिसलेक्ट ऑल के लिए क्या कमांड है, उसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है डिसलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट डिसलेक्ट ऑल, इतना ही लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया है हमने, ड्रॉप डाउन राइट, सो ड्रॉप डाउन डॉट डिसलेक्ट ऑल, इससे क्या हो जाएगा सारे जितने भी सिलेक्ट हुए वैल्यूज है वो डिसलेक्ट हो जाएंगे। एक बार रन करके देखते हैं इसको भी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिलेक्ट हो गया, अजाइल मेथोडोलॉजी सिलेक्ट, मैनुअल टेस्टिंग सिलेक्ट, फिर एक साथ ही सारे डिसलेक्ट हो गए और डिसलेक्ट ट्रू डिसलेक्ट कमांड। तो उसके बाद जब एक बार डिसलेक्ट हो जाता है तो हमने क्या लिखा था कोड में, यहाँ पे नीचे ड्राइवर डॉट क्लोज, जैसे ये पेज पूरा लोड हो जाएगा इट विल क्लोज अवर विंडो। यस, क्लोज हो गया विंडो। तो इस तरह से हम सारे जो स्टैटिक ड्रॉपडाउन है उसको हैंडल कर सकते हैं, और हमने सारे स्टैटिक ड्रॉपडाउन के जो जितने भी कमांड्स है उसको हमने प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है रियल टाइम वर्ड में वो देखा, कब स्टैटिक ड्रॉपडाउन हमें यूज करना है, कब हमें मल्टीपल ड्रॉपडाउन यूज करना है, कब मल्टीपल्स यूज करना है, ये सब हमने यहाँ पे आज के क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायनेमिक ड्रॉपडाउन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, टिल टाइम आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट आउट जरूर कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल का नाम है कस्टमर प्रोफेशन। थैंक यू।